हज़रत सलामुन अलैकुम। इस वक्त इंडियन ज़हर यहाँ पर नजफ़ अशरफ से करबला के लिए रवाना दमा है और ये सफ़र इश्क का सफ़र शुरू हो चुका है। और अभी नजफ़ अशरफ की ज़ियारत करने के बाद ये कुछ इंडियन ज़ायरीन हैं जो कि करबला मोहल्ला की तरफ रवाना हो रहे हैं। हम गुजारिश करें जनाब ज़रगान साहब को कि आप आएँ और बताएँ कि ये सफ़र इश्क आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं आप सफ़र इश्क में। सलामुन अलैकुम। पहले तो ग्राफ एजेंसी का मैं शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुझको वक्त दिया। मैं ये मेरा चौथा सफ़र है, इसका सफ़र है और ये सफ़र शायद मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि जो इस सफ़र में जो है अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी इस समंदर की तरफ पब्लिक चल रही है, इसका सभी का सिर्फ एक मकसद है कि हम ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे अपना सर टेकें और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा पेश करें। बहुत शुक्रिया ज़रगान साहब कि आपने हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये वो ज़ाहिर है जो अक्सर करबला मोहल्ला की ज़ियारत के लिए आते रहते हैं। ये मैं लगता हूँ ये रिजवान साहब है जो कि लखनऊ से आए, गालबन ये पहली बार तशरीफ लाए, कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग अभी यहाँ से मौला अली से करबला के लिए रवाना हो रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग की ज़ियारत ज़रूर कबूल होगी। हम दुआ करते हैं परवरदिगार आपकी ज़ियारत कबूल करें। और यहाँ पर हमारे साथ हैदर मौजूद हो कि इनका भी लगता है गालबन पहली बार ही करबला मोहल्ला आए हैं अरबईन के मौके पर, कैसा महसूस करें और क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आए हैं, लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए हैं, मौला ज़ियारत कबूल करें। बहुत शुक्रिया हैदर आपका। और हमारे साथ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नौहा खान जनाब असद अब्बास साहब, असद अब्बास ज़ैदी साहब मौजूद है और ये मुस्तकिल सफ़र में ज़ायरीन के साथ नौहा खानी वसीना जनी करते जा रहे हैं। हम जाना चाहते हैं आपके तासुरात। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि सब यहाँ मोमिन जमा है। हमारा ये तीसरा सफ़र है इस सफ़र में और चंद बोल इसी सफ़र के मुतालिक पेश करना चाहूँगा। नजफ से करबला चल के जा रहा हूँ मैं, नजफ से करबला चलते जा रहा हूँ मैं, नजफ से करबला चल के जा रहा हूँ मैं, अली के लाल के रोजे पा जा रहा हूँ मैं, नजफ से कर वो बला चल के जा रहा हूँ मैं। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। और हमारे साथ एक इंडियन ज़ाहिर और जनाब अब्बास साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, ये डॉक्टर है पेशे से और ये पहली बार करबला मोहल्ला के लिए नजफ़ अशरफ से रवाना हुए, क्या फील कर रहे हैं आप बताएं अपने लफ्ज़ों में? माशाल्लाह सब कुछ मुकम्मल हो गया है, लग रहा है मंजिल मिल गई अपनी, इंशाल्लाह अब करबला के लिए रवाना हुए तो दिली अल्लाह से कहते हैं हम लोग कि सब कुछ मुकम्मल है इस टाइम। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब कि आपने अपने तासुरात बाहर लिए, इस वक्त भरे हुए इनके पास लफ्ज़ नहीं मिल रहे क्योंकि ये सफ़र इश्क है। हम गुजारिश करते हैं जनाब आमिर साहब से कि आए, आप मुसलसल सफ़र इश्क में रहते हैं और क्या तासुरात है इस बार आपके लिए, और एक अच्छी बात यह कि अपने साथ साथ अपनी वालदा को लेकर सफ़र इश्क पर निकले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, लब्बैक या हुसैन। सफ़र इश्क पे आने के बाद ये पता चला कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का करम हो गया हम लोगों को, क्योंकि अरबईन 2015 के बाद इस बार अरबईन करने का मौका हम लोगों को मिल रहा है और ये छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है कि अल्लाह जब किसी को खैर अता करना चाहता है तो उसके दिल में खबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शरफ डाल देता है। और हम लोग नजफ़ से करबला वॉक करते हुए जा रहे हैं, इसमें बीच में पोल हैं, बीच में मौकब बने हुए, इंडियन मौकब हैं, पाकिस्तानी मौकब हैं और सारे जवार हम लोगों के साथ चल रहे हैं, करोड़ों की तादाद में यहाँ पर मजमा स्टम साथ में चल रहा है। बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं हम सबको इसी तरह से करबला की ज़ियारत नसीब होती है। परवरदिगार इनकी दुआओं को मुस्तजाब करो। और यहाँ पर एक ज़ाहिर हमें और नज़र आ रहे हैं, मैं गुजारिश करूँगा आपका नाम बताएं पहले तो, फराज साहब यहाँ पर मौजूद हैं, गालिबन आप भी पहली बार करबला मोहल्ला और सफर इश्क पर आए हैं, इससे पहले आ चुके हैं? अच्छा, ये पहली बार ये सफर इश्क पर आए और ये कुछ इराकी बच्चे भी हमारे साथ नज़र आ रहे हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप इस करबला के पहले सफ़र में? माशाल्लाह अभी तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, पहुंचने की बस जल्दी है, वहाँ किसी तरह पहुंच जाए पोल तक। बहरहाल ये अभी क्योंकि ये एक्सपीरियंस इनको पता नहीं कि अभी क्योंकि सफ़र का आगाज़ हुआ है और ये अभी महसूस करेंगे और आगे अपने तासुरात पेश करेंगे। यहाँ पे कुछ ख़वातीन नज़र आ रही हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि हमारे हमराह आ जाएँ, आप सारी ख़वातीन हम लोगों के हमराह आ जाएँ ताकि इस सफ़र इश्क में कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ हैं और इनसे भी मैं अपने तासुर जानना चाहूँगा। आप बताइए, आमिर साहब की वालदा हैं आपके, क्या कैसा महसूस कर रही हैं मम्मी आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया। और क्या कहना चाहेंगी जो लोग नहीं आ चुके उनके लिए, क्या कहना चाहेंगी आप? उनके लिए यही दुआ है कि परवरदिगार मौला सबको आना नसीब करे और जहाँ से जहाँ उस तक कोशिश करें बस आ जाएं। जी आप अपने कुछ तासुरात पेश करेंगे? जी मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हम पहली बार आए हैं और मेरी ज़ियारत कबूल हो इंशाल्लाह। आपकी ज़ियारत कबूल हो, जितने भी ज़ायरीन आए सबकी ज़ियारत कबूल हो। यार
क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे बस ज़िंदगी का मकसद ही यही है, हयात ज़िंदगी यही है कि हम करबला पहुँचें और हर साल मौला हमको बुलाएं और जितने मोमिनीन रह गए उन सबको बुलाएं। बस बहुत शुक्रिया। और ये सफ़र इश्क़ का आगाज़ हो गया और हमारे साथ मौजूद हैं कैमरे पर यूसुफ रज़ा आली, और ये नज़र नहीं आ रहे लेकिन इनकी बड़ी खिदमत है जिसके हवाले से वीडियो ज़ायरीन तक पहुँच रहा है। इंशाल्लाह आगे की और भी अपडेट्स ग्राफ एजेंसी और अली सिटी सेंटर और तमाम मीडिया की जानिब से हम आपको देते रहेंगे। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।